नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गुरमीत सिंह यानी मेरा ये YouTube चैनल, जिसमें कि हम आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से इंफॉर्मेशन देते हैं और आपके एग्जाम की भी तैयारी साथ के साथ करवाते हैं बड़े ही रोमांचक तरीके से। सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप इस चैनल को देख रहे हैं और साथ में हमें मोटिवेशन मिले आगे काम करते रहने की। और आज का टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है फोन टैपिंग। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फोन टैप क्यों करती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्यों करती है, ईडी क्यों करती है, पुलिस क्यों करती है और इसके साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा फोन टैपिंग क्यों की जाती है। अभी पिछले कुछ दिनों में ये इशू चर्चा में इसलिए आया क्योंकि मुंबई के एक नेता ने आरोप लगाया कि फोन टैपिंग के आरोप में एक आईपीएस ऑफिसर को बचाया जा रहा है। ये आईपीएस ऑफिसर फिलहाल फरार है, मगर उसे जब वो अपनी सेवा में था उस समय उसने कई नेताओं के, अफसरों के फोन टैप किए, जो आरोप उसके ऊपर है। तो फिलहाल फोन टैपिंग का करंट अफेयर से जुड़ा मामला है और बहुत ज्यादा चर्चा में है। मगर फोन टैपिंग कैसे होती है, कौन करता है, कौन आदेश देता है और इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, वो हम आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यूएसए में इसे वायर टैपिंग या इंटरसेप्शन भी कहा जाता है। फोन टैपिंग को इंडिया में न्यूज जो है आमतौर पर इस टॉपिक पर बनती रहती है, आए दिन कोई ना कोई आरोप लगता रहता है। फोन टैपिंग पर अगर अनऑथराइज तरीके से की जाती है तो इसे इलीगल माना जाता है, यानी गैर कानूनी और अवैध माना जाता है और इससे कॉन्फिडेंशियलिटी भंग होने पर जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। जिम्मेदार व्यक्ति कौन होगा, ज्यादातर इंटेलिजेंस एजेंसी का होगा या पुलिस का होगा, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चला सकते हैं आप। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या उसके इंडिविजुअल लिबर्टी से वंचित नहीं रखा जाएगा, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर ऑफ लॉ, यानी कि अगर कानून में ही ऐसा प्रावधान किया गया हो। हर नागरिक को प्राइवेसी के अलावा अपने परिवार, एजुकेशन, विवाह, मदरहुड और इसके साथ ही बच्चे और वंश वृद्धि यानी प्रोक्रिएशन, इन संबंध में गोपनीयता रखने का अधिकार है और यह गोपनीयता कोई भी भंग नहीं कर सकता है। यह आप समझ लीजिए, यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि कल को आपको आकर कोई कुछ कहने लगे तो आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। अब फोन टैपिंग आखिर कर कौन सकता है, क्या कोई आम व्यक्ति फोन टैपिंग कर सकता है? नहीं, फोन टैपिंग स्टेट लेवल पर होती है और सेंट्रल लेवल पर होती है। स्टेट लेवल यानी जिस राज्य में आप रह रहे हैं वहां की राज्य सरकार, राज्य पुलिस कर सकती है। सेंट्रल लेवल यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, ईडी, एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, या सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, या डीआरआई डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, या एनआईए, या रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, या डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस, या फिर दिल्ली पुलिस। अब लॉज कौन से हैं, कौन से कानून हैं जिनके तहत फोन टैपिंग की जाती है? कानून है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। इस एक्ट के सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 के अनुसार कोई भी पब्लिक इमरजेंसी होने पर या पब्लिक सेफ्टी के लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा फोन टैपिंग की जा सकती है। फोन टैपिंग का आदेश तब जारी किया जा सकता है अगर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा बात से संतुष्ट हैं, वो इस बात से संतुष्ट हैं कि पब्लिक सेफ्टी, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, या फिर फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स यानी कि दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, या फिर पब्लिक ऑर्डर, या फिर फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, किसी अपराध को होने से रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी हो, केवल तब ही फोन टैप किए जा सकते हैं। अब इसमें टेलीग्राफ एक्ट 1885 में एक एक्सेप्शन दी गई है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से एक्रेडिटेड कॉरेस्पॉन्डेंट्स के भारत में पब्लिश होने वाले प्रेस मैसेजेस,
को इंटरसेप्ट नहीं किया जाएगा। यह भी एक बात है कि उनके प्रेस मैसेजेस को, जर्नलिस्ट के प्रेस मैसेजेस को इंटरसेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक टेलीग्राफ एक्ट के सबसेक्शन के तहत उनके ट्रांसमिशन को बैन ना किया गया हो। मतलब कि कोई ऐसी बात जो इंटरसेप्ट करनी जरूरी हो और वो कानून के तहत आ रही हो, तब ही जर्नलिस्ट का फोन टैप किया जाएगा। इस मामले में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लिखित रूप से टैपिंग के कारणों की जानकारी देनी होगी। सिर्फ तब ही जर्नलिस्ट का फोन टैप किया जा सकता है। अब ऑथराइज कौन करता है भाई फोन टैपिंग के लिए, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोन टैपिंग करने का प्रावधान इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट रूल्स 2007 के रूल 419A में किया गया है, 419A में किया गया है। केंद्र सरकार के मामले में फोन टैपिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सेक्रेटरी द्वारा दिए गए आदेश के तहत की जा सकती है। सेंट्रल लेवल पर होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के आदेश पर होगी। राज्य सरकार के मामले में फोन टैपिंग राज्य सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम के सेक्रेटरी द्वारा दिए गए आदेश के तहत की जाती है। अब अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, हम नहीं कांटेक्ट कर सकते अपने सीनियर अफसरों को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, अचानक से कोई जरूरत पड़ गई, ऐसी स्थिति में एक ऐसे अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है जो भारत के जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक से नीचे का ना हो। जी हां, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में आदेश जारी कर सकता है और इस जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को यूनियन होम सेक्रेटरी या स्टेट होम सेक्रेटरी द्वारा ऑथराइज किया गया हो तो इमरजेंसी सिचुएशन में वो आदेश जारी कर सकता है। दूर दराज के क्षेत्रों में या ऑपरेशनल रीजन से अगर कोई पूर्व निर्देश लेना, कोई पहले से कोई अप्रूवल लेना संभव नहीं है, तो सेंट्रल लेवल पर ऑथराइज्ड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के हेड या सेकेंड सीनियर मोस्ट ऑफिसर के पूर्व अनुमोदन से, अप्रूवल से कॉल को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेंट्रल लेवल पर समझिए, सेंट्रल लेवल पर हम एग्जांपल ले लेते हैं सीबीआई का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक आदमी की कॉल ट्रेस करना चाहता है, इमरजेंसी है, तो ऐसे में सीबीआई के डायरेक्टर या फिर सेकंड सीनियर मोस्ट ऑफिसर की अप्रूवल ले ली जाएगी और कॉल को इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा, इंटरसेप्शन पर लगा दिया जाएगा। स्टेट में आईजीपी के रैंक से नीचे का ऑफिसर ना हो, उससे परमिशन लेनी होगी और कॉल इंटरसेप्शन शुरू हो जाएगी। प्राप्त आदेशों के संबंध में 3 दिनों के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सूचित करना जरूरी है, जिसे 7 वर्किंग डेज के अंदर अप्रूव या डिसअप्रूव किया जा सकता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट का गृह मंत्रालय। और यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कंफर्मेशन 7 दिनों के अंदर इस बाबत नहीं मिलती है तो ऐसे इंटरसेप्शन को फौरन रोक दिया जाएगा। जी हां, अगर इमरजेंसी सिचुएशन में पुलिस ने, सीबीआई ने इंटरसेप्शन इंटरसेप्ट करना शुरू किया है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने 7 वर्किंग डेज के अंदर परमिशन नहीं दी है तो इंटरसेप्शन रोकना पड़ेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2021 में इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे अमेंडमेंट रूल्स 2021 को नोटिफाई किया था। अब चेक्स क्या है मिसयूज, क्योंकि पुलिस में कई बार आरोप लगते हैं भाई, गलत तरीके से भी फोन टैप हो सकते हैं। अब वो किसी ऐसे व्यक्ति का भी फोन टैप कर सकता है, कोई पुलिस का या सीबीआई का अधिकारी, जिसको वो पर्सनली इंटरेस्टेड हो, वो पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो। अंतिम उपाय के रूप में अब क्या आगे उपाय है, इसमें कानून में साफ किया गया है कि इंटरसेप्शन का आदेश तभी दिया जाना चाहिए जब सूचना प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका, कोई अन्य जरिया ना बचा हो। अब अगर इंटरसेप्शन को रिन्यू करना है, इसका क्या प्रोसीजर है? इंटरसेप्शन के निर्देश लागू रहते हैं लेकिन यह अनुमति केवल 60 दिनों के लिए वैध होती है, मतलब कि 2 महीने तकरीबन।
और इंटरसेप्शन के निर्देश को रिन्यू भी किया जा सकता है, लेकिन इसे 180 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंटरसेप्ट आप कॉल को कर सकते हैं 180 दिन, उसके आगे नहीं कर सकते। और इतने दिन भी कॉल को इंटरसेप्ट करने के लिए आपको रीजन बताने होंगे, कारण बताने होंगे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश में आवश्यक कारण बताए गए होने चाहिए और उसकी एक कॉपी रिव्यू कमेटी को 7 वर्किंग डेज के अंदर फॉरवर्ड की जानी चाहिए। और फॉरवर्ड जब आप कॉपी करेंगे तो वो कमेटी जो जिसके अध्यक्ष होंगे केंद्र में, अगर सेंट्रल लेवल पर है तो केंद्र में उसके अध्यक्ष होंगे कैबिनेट सचिव यानी कैबिनेट सेक्रेटरी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बैठेगी जिसमें कानून और दूरसंचार सचिव सदस्य के तौर पर बैठते हैं और वो कमेटी रिव्यू करेगी इन कारणों को कि क्या ये कॉल इंटरसेप्ट होनी चाहिए थी, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अगर स्टेट में कोई मामला है तो राज्य में इसकी अध्यक्षता, इस कमेटी की, रिव्यू कमेटी की अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी द्वारा की जाती है। मेंबर होते हैं लॉ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी। अब इस समिति से अपेक्षा यह की जाती है कि सभी इंटरसेप्शन रिक्वेस्ट को रिव्यू करने के लिए 2 महीने में कम से कम एक बार बैठक जरूर करें। और यहां पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी रिकॉर्ड है, आप टेलीकॉम कंपनियों कह रहे हैं कि आप ये कॉल रिकॉर्ड कीजिए, इस रिकॉर्ड को, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इस रिकॉर्ड को नष्ट भी करना होता है नियमों के तहत। ऐसे निर्देशों से संबंधित रिकॉर्ड को 6 महीने के अंदर नष्ट किया जाना चाहिए, जब तक कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए जरूरी ना हो या होने की संभावना ना हो। सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इंटरसेप्शन बंद करने के, जैसे आज इंटरसेप्शन बंद कर दिया तो 2 महीने के अंदर इंटरसेप्शन के निर्देशों से संबंधित रिकॉर्ड को नष्ट करना होगा, पूरी तरह खत्म करना होगा। तो फोन टैपिंग कुछ इस तरीके से होती है, फिर भी आरोप लगता है कि गैर कानूनी तरीके से कई जगह पर फोन टैपिंग हुई है जिसका अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। वे फॉरवर्ड क्या है? निजता का अधिकार, जिसको साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राइट टू प्राइवेसी, इसको भंग किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता। और अगर इसको भंग किया जाता है तो ऐसे पुलिस अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी को कानून के द्वारा सजा दी जाएगी। नमस्कार, अगली बार एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।